स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रियादी ब्लॉग में। कैसी लग रही हूँ मैं? चश्मा लगा के हमें निकाला चश्मा। बाबू मम्मा कैसी लग रही है? ए छिपकली कैसी लग रही हो? अच्छी लग रहा है। बेचारी रुकने नहीं पाई। मतलब मुझे नेहा के ऊपर गुस्सा भी आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आती है इनकी कुछ आदतें लेके, और कुछ अगर इनको देख लेती हूँ तो मेरा गुस्सा भी गायब हो जाता है। अभी मैं इनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। क्या बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज भाभी के यहाँ रामायण आज बैठक है, तो क्या बोलते भाभी और नानी की भी मम्मी ने बोला था कि एक काम करना, जैसे जेठानी रुक जाएंगी, अगर बताया ना कि आप पिछले वीडियो में कल क्या बोलते हैं ना कि हम लोग अभी इसके पहले जो ब्लॉग था आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो भाभी की मम्मी है ना वो बहुत ही ज्यादा केयरिंग है और सारी चीजें मतलब समझती हैं, तो उन्होंने बोला था कि उनके पापा ना पापा भी बहुत ही ज्यादा समझदार है, भाई दीपक भी बहुत ही ज्यादा समझदार है, भाभी भी है, मतलब पूरी फैमिली इतनी ज्यादा समझदार। हमारी भाभी की फैमिली छोटी है, जैसे भाई अकेला है, भाभी अकेली है, दो जन है और मम्मी पापा, भाभी की भाभी मतलब, और दो बच्चे, एक भतीजा एक भतीजी जिसका मुंडन था। तो भाभी की मम्मी ने बोला था एक काम करना, नेहा रुक जाएगी आपके साथ, क्योंकि मुझे नहीं उतना आइडिया ना यहाँ के बारे में क्या कैसे है। जैसे पापा है घर पे तो कुकिंग मुझे करनी पड़ेगी, तो बोली थी कि नेहा रुक जाएगी, अब वो आपके साथ हेल्प करा देगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कल वही रात में हम लोग कल रात में बाटी चोखा बन रहा था ना, तो फिर मैंने नेहा से बोला कि नेहा एक काम करना, तुम क्यों रुकोगी वहाँ, तुम मेरे साथ चले आना, हम साथ चलेंगे, साथ आएंगे। इसके बाद हमें भी ऐसा तो नहीं है कि देखो भाई मायका हमारा भी है, हमें इतने प्यार से बुलाए हैं तो हमें तो डेली जाना ही पड़ेगा, तो एक काम करो चलेंगे रहेंगे वहाँ पर, इसके बाद सोते टाइम हम लोग घर आ जाएंगे, यहाँ पर पापा की भी केयर हो जाए, तो क्यों रुकोगी, ऐसे बोला। फिर आ गई टेस्ट में, टेस्ट बोलते ना उसको, एटीट्यूड, रुक नहीं पाई क्योंकि कपड़ा लेके नहीं आई थी गुस्से में। मतलब कहा नहीं गया, कभी कभी गुस्सा जो है इंसान को, इनको लगा कि अगर हम रुक जाएंगे तो चाची गुस्सा हो जाएंगी, या नहीं जानती हैं चाची का गुस्सा कुछ ही टाइम के लिए है। हाँ रुक जाती तो मैं बहुत ही गुस्सा होती, बहुत ही ज्यादा होती, मैं इनसे बोलती भी नहीं, क्योंकि मुझे जब भी इनकी सच में जरूरत होती है ना ये मुझे छोड़ के धोखा देके चली जाती है। जब भी मेरी तबीयत खराब हो जाती है मुझे नेहा की जरूरत है, नेहा नहीं रहती है, पता नहीं क्यों ये चीज मेरे माइंड में थी कि अगर अब की रुकी नेहा तो मैं इनको बताऊंगी, लेकिन भाभी जान गई थी और ये भी अपना पता नहीं क्या सोच के नहीं लेके आई नेहा, क्या सोच के नहीं लेके आई थी, सही सही बताओ। खुद ही नहीं पता, खुद ही नहीं पता मैं। मतलब इस चश्मा कैसा लग रहा है बताओ, दीप की पसंद की है। हम लोग गए थे, जब भी हम जाते हैं वहाँ पलाशी, जब भी हम जाते हैं हमारा जो है कुछ ना कुछ सोच के जाते हैं कि हम जाएंगे सिर्फ स्टारबक्स कॉफी पी के चले आएंगे। मेरे जो पुत्र है उनको स्टारबक्स की कॉफी बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो हम लोग मंथ में सैंडविच, हाँ तो ये सब बहुत पसंद है, तो हम लोग मंथ में एक बार जरूर जाते हैं ना, मंथ में एक बार दो बार जाते हैं यही की खाने पीने के लिए। तो हमने सोचा था कुछ खरीदारी नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन भी अच्छा खासा बजट बन गया था, उस दिन मैंने ये लिया था मेरे लिए, और तुमने नहीं लगाया क्या?
गेट वन था, तो मैंने मेरा लिया, उसके साथ पति देव को फ्री में मिल गया, सिक्स के का था, वही तो बोल रही हूँ। तो मैंने लिया, पति देव को फ्री में मिल गया, तो मैंने कहा चलो भाई तुम फ्री वाला लगाओ, मेरा तो अच्छा लग ही रहा है। ये साड़ी हमने गाढ़ा भंडार से ली हुई है, जिसको चाहिए जाके ले सकता है, काफी खूबसूरत साड़ी है। बट हाँ, नहीं फ्री में नहीं मिल रही, बट वही मैं बोल रही हूँ कि कोई भी पेड़ या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। नहीं यार, मेरे जो फॉलोअर सब्सक्राइबर है ना, इतना ज्यादा मुझसे पूछते हैं दी आपने कहाँ से लिया, दी आपने कहाँ से लिया, तो इसलिए मैं आपके लिए बता रही हूँ। और इस टाइम इस कलर काफी ट्रेंड में भी है, हर जगह पे हरियाली है, तो मैंने सोचा मैं पहन रही, और मेरी भाभी भी, वो भी गाढ़ा भंडार की ही साड़ी थी। नहीं 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 नहीं, वो मुझे मेरे मायके से मिली थी। तो हाँ, तो वो साड़ी ना मुझे पापा ने दी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, और वो थी वहां से सिंगरमो से थी। नहीं नहीं, सिंगरमो की थी, क्या बोलते हैं, हरिओम के यहाँ से थी। तो जो सिंगरमो वाले हैं जाके ले सकते हैं। अभी वैसे हम आज सिंगरमो जाएंगे गोलगप्पे खाने, क्योंकि मुझे गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है, और मैं अपने कॉलेज के टाइम जहाँ जाके खाया करती थी वहाँ 6 मिनट आप लोगों का ले लिया। तो अभी मैं करती हूँ, हाँ सिर्फ बकैती कर रही हूँ, बट कोई नहीं, कभी कभी बकैती भी अच्छी लगती है ना। तो चलो घर पे चल के बात करते हैं। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, चांदा पहुंचे हैं, मिलते हैं कुछ देर बाद। सरसों है, सरसों खिला, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले देखो कौन मिला मुझसे, कौन कौन कौन, नमस्ते पापा। ये देखो मेरे पापा, सबसे पहले पापा, पापा का पैर छुए नानू का, अभी छुआ। पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे पापा, आगे बढ़ गए, किसी से पकड़ लिया। चल सेकेंडली देखो कौन आ रहा है, मेरा हीरो आ रहा है, दिखाती हूँ। देखो खुसरो, चलो सेकेंडली मोहित बिना स्लीपर भागा है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारे मायके, हमारा भतीजा बुआ बुआ बुलाते हुए बोल रहे हैं, बुआ आजा मेरा बच्चा, आजा। अरे बुआ के पास डायरेक्ट आएगा, आजा। अरे बीच में कहाँ, हे बाबू आजा मेरे पास, इतना तेज से बोले बुआ। हाँ तो मैं हूँ मेरे नए वाले घर में, भाभी भी। पैर छुओ, पैर छुओ, पैर नीचे नहीं ऊपर है। खुश हो जाए मेरा बच्चा, बड़ा हो जाए, पैर बहुत ज्यादा। इसे कहते हैं संस्कार। हाथ जोड़, नमस्ते कर लो। जानवी नमस्ते, नमस्ते जानवी, नमस्ते नमस्ते जानवी, नमस्ते जस्ट आ रही हूँ घर। चलो मिलते हैं। अरे देखो मेरी मेरी सिस्टर आ गई। नमस्ते, फाइव स्टार मेरी सिस्टर।
और ओ मेरी बिटिया है, सबको पता ही है ए, चंड मुंडी। तो चलो बात करते हैं कुछ देर बाद। हाँ किधर है बाहर? बाहर के ले आऊं बाहर पहले धोखा सा करके तैयार हो जाओ तो सही तैयार हो। सो ही लागी ना। चलो तैयार हो जाओ। भौजी की वीडियो में तो बड़ा तुसे मस्ती करा जात हो। भौजी बेचारो वीडियो चल पे रहा मस्ती करे बहुत के पता नहीं कमजा में उनका मेकअप के डाई जीजू। कौन सेलिब्रिटी? श्रद्धा दुबे, खुशी दुबे, स्नेहा दुबे सेलिब्रिटी। कैमरा बंद कर। देखो भाई खुश नसीब तो हम हैं, मायके आते हैं बहने जो हैं। ए लगाओ जरा इसे भाई। ये है मेरी चाय, बताओ लकी हूँ कि नहीं। मेरी इतनी प्यारी प्यारी बहने हैं केयर करने के लिए मेरी। मायके आते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरी बहनें हैं। ये लोग हमेशा हर एक चीज, कोई चाय लेके भाग रहा है, कोई पानी, कोई बिस्किट, तो चश्मा तो मैंने दिया है। हाय हाय हाय, एकदम निरहुआ लगा था वो। लोग पत्नी क्या करना है चाची, एक टाइम रात सब बहुत हसत है, हम बहुत हसत रहे। चलो जल्दी तैयार होके आ जाओ। हाँ तैयार हो जाओ फटाफट। ये है मेरी दादी और जब मैं आती हूँ मेरी दादी हमसे मिलने जरूर आती है। दादी है, दादी हमारी देखो मैं आशीर्वाद दे रही है। हम पता है जब भी आते हैं हमारी दादी रहती है पुराने घर में, यहाँ नए घर हमसे मिलने उतनी दूर से चली जाती है। चलो फोटो क्लिक करते दादी मेरी, कितनी स्वीट, कितनी स्वीट लग रही है देखो। तो हाय गाइस, क्या बोलते हैं हम सदस्य ने सब। मैं दादी के साथ भी पिक्चर ले रही थी एक दो, मैंने कहा पिक्चर क्लिक कर लो। मेरी दादी ये है, दादी ये है मेरी, ये है मेरी दादी। इतनी स्वीट सी है देखो, मुझसे मिलने आ जाती है, क्यूट सी है। और ये तो चुड़ैल है पीछे जो है ए, श्रद्धा। और ये कुछ और बोलने वाली थी लेकिन कंट्रोल कर लिया। ये मैंने और मेरी देखो दादी कितनी क्यूट लग रही है ना। तो दादी ये नेहा, एक बिंदी लाके दादी को लगाओ यार, माथे पे बिंदी नहीं है दादी की। दादी शील नहीं है। एक काम करो, एक आईफोन ले आओ, एक दादी के साथ रील्स बनाओ। बैठो अम्मा, बैठो अम्मा। हमारी जो है ना शुगर फ्री चाय पीते हैं। हाँ लगाए एक, ये मेरी मम्मी है। मैं जब भी आती हूँ सोचती हूँ भैया हर किसी को अपने वीडियो में लेके आऊँ। मेरी प्यारी मम्मी चाय पी, हमार बना था कहा है। अच्छा तू काली चाय पी, आपकी भूखी है भैया जितने। अच्छा भूखी हो? हाँ अच्छा, तब भाई पीला पीला पहने हो। देखो ये हमारी दादी हैं, दादी की बड़ी बहू हमारी मम्मी है और दादी की बड़ी नातिन यानी मैं सबसे बड़ी। दादी हमारे हमका बहुत मुहातिन, सारी नतनिन में सबसे ज्यादा। आज सही सही बताए तो सबसे ज्यादा। हम झगड़ा करें मगर तू दीदी का। अम्मा सही सही बताओ सबसे ज्यादा किसका मान तू? अरे भाई सबसे ज्यादा प्रियंका माँ, जेठदास ये उनका मान ही। अरे यार कैमरा ही बंद हो जा रहा है। सबसे बड़ी हूँ इसीलिए मुझे देख लो आज ऑन कैमरा। मैंने बता दिया तुम्हारी बेइज्जती हो गई नेहा। हम सबसे अच्छा अम्मा दीदी की बात किसका माना तू? दीदी की बात, दीदी दीदी की बात किसका माना तू? देखो हम बता रहे नाती में अम्मा सबसे ज्यादा हमें प्यार करती है, नाती में सबसे ज्यादा राहुल को। ठीक है अब इसमें अब कोई लोगे ना। हाँ
कोई अब अपने मन में हिम्मत रखना कि अम्मा हमें मानती है, हमें मानती है। अम्मा ब्राह्मण शूटिंग में हर चीज नहीं देखो, हम बता रहे हैं बड़े शौक से, मतलब बड़े दीदी बड़ी नहीं, हाँ बहुत हम तो सबसे छोटे बड़े, हाँ हाँ तो छोट रखना जने अम्मा पाई गिरे तो उभी आई गई स्टार्टिंग में सबके शौक लागत है कि हमारे नात हो नातिन हो तो नातिन में हम हो गए अम्मा हमारे खातिर हम कम खाते हैं दिन भर लिए रहते हैं ना। एक बाद हमारे बाद राहुल आगे भाई नात रहें बिटवा रहें तब जितना तो बिटवा बहुत देख लो, इसीलिए कहती हूँ मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती है। अपने मायके गई थी, मुझे लेके गई थी, फिर मैं छोटी थी, मतलब कोई गया लेके चला आया तो दादी मेरी रोती हमारी मुट्ठी कैसे रह रही होगी। हमारी दादी देख लो कितना प्यार करती है हमसे, सर की बेइज्जती कर दी होगी, चाय पी गई होगी, चलो मिलते हैं कुछ देर बाद, बाय फ्रेंड्स। मिलिए मेरी क्यूटी सिस्टर से खुशी से, तो अभी खुशी अब इनका स्टाइल बदल गया ये वाला नहीं तो जब भी ये मेरे ब्लॉग में आती थी ऐसे ही आती थी, कांड हो गया था क्यों खुशी, लेकिन सब कुछ ठीक है। और बाबो चीटिंग आए, हम हमेशा पीछे रहते हैं आज गलत रहा ना हम आए तभी चली आओ जान रहे तू दूजने कुछ। अच्छा ये बताओ, ये बताओ कौन पकड़ा ले तू हम आए एक एक करके टपक रही है, मैं लो इनको तो मैं लेके अपने साथ इनको साथ में लेके आई, हम दोनों बात जैसे ही करना स्टार्ट किया तब तक ये टपक पड़ी ये टपक पड़ी, फिर कह रही है ए भाई कौन सीक्रेट बात हो तो बजाओ, नैंसी छुपी गया श्रद्धा दीदी टपक पड़ी इधर आई जैसे गाय उधर धूप आओ ना तो अच्छा ना ही आवा था, तो कह रही है हम अरे आज की एक मजाइल बात बताओ मजाइल हाँ मजाक हम अरे यार गांव की भाषा मिला के बोलते हैं जानबूझ के बोलते हैं, अभी हम पता है बच्चे मिल गए बात कर लिए, मतलब आराध्या के बच्चे जानवी और अब है, मुझे याद ही नहीं था कि इस घर में मेरी भाभी श्री भी हैं। अब वो मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही थी रील्स, तो घर में से निकल के हे दीदी हे दीदी, ओ माय गॉड मुझे याद ही नहीं था तुम भी हो, कह लड़कियों से ना ही मिलो, उनका लड़कियों से तो मिले लेकिन तब उन्हें याद आई कमरे को पहुंचवाए तो अभी मिलाएंगे यूपी ब्लॉगर आराध्या से, मेरी भाभी का चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर ये लोग खूब मेहनत करती हैं अच्छे अच्छे से भाभी को सजाती हैं, लेकिन तो लेकिन भाभी वीडियो चलता नहीं है, प्लीज हम लोग का वीडियो देखिए हम लोगों का वीडियो चलाइए देखो भाई मामा होने का यही फायदा है, बच्चे ननिहाल आते हैं इन्हीं जैसे मामा बच्चों को बिगाड़ देते हैं, देखो सिर पे बैठाए हैं तो अब बताओ सिर पे बैठाए हैं तो बदमाशी नहीं सीखेंगे, ये है प्रांशु दुबे लाइक करो तो चलो बात करते हैं, वैसे भी वीडियो आज का काफी लंबा हो जाने वाला है, बाय 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 अरे बताओ अरे प्रत्यु जरा छोड़ो इसे, एक ये बताओ अभी आप उस दिन पापा से बात कर रहे थे फोन पे, किसने मारा था आपको पापा मारे किसने मारा था हाँ सोचे ओ, सोच रहे हैं कब से गाय मार दिया, इतना सोचने के बाद याद आया गाय मार दिया, आय हाय हाय बुआ का चश्मा लगा लिया एक ना मर काटा हाँ इलाहाबाद जाओगे इलाहाबाद जाओगे आह वाटिन भाऊजी अरे कहाँ गए भैया वाह वाटिन वाह भाऊजी बढ़ाई दे रही है यूपी ब्लॉगर आराध्या हाय कर लो, हमें याद ही नहीं था कि हमारी एक प्यारी सी भौजी भी हैं, पास से लेके आते हैं क्या हुआ तबीयत नहीं ठीक है क्या फीवर हो रहा है अरे चाचू की अरे बस यहाँ बच्चे सही हो गए हैं तुम भी सही हो गए और क्या है देखो लख
गए हो, मोटे हो गए, मोटी हो गई हो, हुई है कि नहीं वहाँ से इलाहाबाद से? अभी सब बोल रहे थे कि बहुत दुबली, अभी इतना इतना नहीं 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 इलाहाबाद से सही हो, बच्चे भी सही हैं, वहाँ इतना खाती थी, अभी इतना इतना खाती है कहाँ जाएगा। चलो भाई। हाँ भैया, भैया नहीं ये वीडियो में ही है, बुआ ले लिया ये भी कैम क्या अरे पकड़ो पकड़ी तुम्हें। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारी बाग के सामने जो खेत है यहाँ पर आ गए हैं हम लोग रील्स बनाने, और भरी सड़क पे हमारी बहनें हमसे करवा रही हैं डांस, हमसे नहीं खुद भी कर रही हैं, इतना ये लोग डांस के शौकीन हैं सब लोग। यहाँ पर मैं क्लिप लगा दूंगी, सच बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ, इतना एंजॉय कर रही हूँ, अदरवाइज इतना कुछ होता नहीं है। मैंने इन लोगों से फोन करके बोल दिया एक काम करो तैयार हो जाओ मैं आ रही हूँ रील्स बनाना है, लेकिन रील्स मैंने हंसी मजाक वाला मतलब कॉमेडी लाइक बोला था, लेकिन ये लोग चलो तैयार नहीं जैसे थे आने के बाद हमारी पर्स में से बिंदी निकाली है ये लोग, हमारी पर्स में से लिपस्टिक निकाली है, फिर भी देखो हमसे खूबसूरत कोई नहीं लग रहा है। अपने मुंह में मिठुरच क्या है, जा उधर गया और अच्छी नहीं लागत हद गौ आ बच्चा अच्छा सही सही बतावा के अच्छा लागत बा आई जो तो हूँ रच के आई जो अभी पूछ लीजिए ना कौन अच्छा लग रहा है। नहीं तुम भी आओ ना, अब बतावा सबसे सोनर सबसे सुंदर के सबसे सुंदर के बा बता दी, सही छुपी गई, सब हमारा नाम ले ना बता दी है तो। देखो देखो भाई यहाँ पर कोई ये नहीं होगा, कोई किसी का साइड नहीं लेगा, कमेंट बॉक्स में सही सही जिसने पूरा वीडियो देखा है कमेंट बॉक्स में सही सही बताना। मैं हूँ प्रियंका और ये है खुशी, ये है स्नेहा और ये है श्रद्धा और ये है नेहा। एक मिनट मैं अभी जूम कर करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि हाँ ताकि जो है आप लोग बताओ कौन सबसे सुंदर लग रहा है कमेंट। तो आओ खुशी पास से आके दिखाओ, ये है खुशी, तनिक ध्यान तनिक गौर कीजिए इस चेहरे को, ये है खुशी दुबे। अरे तनिक दिखाओ तभी तो वोट मिले सुंदर बा, हम खुशी ठीक है। आवा नेक्स्ट मॉडल ये है स्नेहा दुबे, प्रियंका दुबे और स्नेहा दुबे, हमें पता है कि वोट इसी को मिलेगा, नहीं हमसे और हैं कि वोट स्नेहा को मिलेगा। और ये है श्रद्धा, प्रियंका दुबे श्रद्धा दुबे, तो श्रद्धा को भी देख लो। अब आ जाओ तुम पापा, ये है स्नेहा तिवारी, हाँ नेहा तिवारी और मैं प्रियंका तिवारी। यस तो प्रियंका तिवारी भी हैं दोनों, अब बताओ तिवारी पार्टी। अब यहाँ पर मेरे चाचा आ रहे हैं, तो मेरी जो छुटकी बहनिया है डर रही है, कह रही है हम वैसे सच बताऊं डर तो मुझे भी लग रहा है, ये जा रहे हैं देखो दुबे जीतता है कि तिवारी। अरे देखो भाई मैं दुबे हूँ, मैं दुबे हूँ, मैं भी दुबे, मायके में हूँ तो दुबे हूँ, बिटिया का साथ देने के लिए बिटिया का जरूर तिवारी नहीं, बिटिया का साथ देने के लिए तिवारी बन गया क्योंकि उसको अकेले कैसे छोड़ दें इतने दुबे दुबे। अभी देखो बहनों के साथ दुबे हैं, बिटिया के साथ तिवारी हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोग बताना कि सबसे खूबसूरत कौन है, मुझे पता है सबसे खूबसूरत सब इसको बोलेंगे, इसको मेरी फिंगर इसको दिखा रही थी लेकिन मैं इसको बोल रही हूँ, सब इसको बोलेंगे स्नेहा को। गोलू मोलू सी इस पे ब्लैक ब्लैक बिंदी नजर आने लगी, नजर न लग जाए जानू थॉट ये घबराए तो चलो बाद में बात करते हैं, बाय बाय। बाय। चाचा पास में ही है, ज्यादा हल्ला मत मचाओ, जनाब भाई आई है जूता चप्पल देने लगे, इस फेवर आएंगे जूता चप्पल तो नहीं देंगे, बगल में सरसों का पेड़ है वही उठा के खींच खींच के सबको मारेंगे, मेरे को नहीं मारेंगे। बाय। सो फ्रेंड्स हम लोग वीडियो बना रहे थे और बहुत कम मस्ती की, भाई के साथ भी खूब वीडियो बना लिए, आज डर नहीं लगा भाई के साथ, ये लोग मेरे चश्मे का चश्मा बना दिए, नहीं उसका चश्मा ही बना दिए, सारे फिंगर रख रख के ना। और देखो मेरी मम्मी भी आ गई ढूंढते ढूंढते, वो देख रहे हो पीछे मम्मी आ रही है, वो देखो मतलब एक पहले भाई आया फिर वो भाई आया फिर मम्मी आ रही हैं, अब चलो हम लोगों को चलना ही पड़ेगा, चल रहे हैं बाय। ओके बाय, अब जाके हमें घर पे भी डिनर विनर सब बनाना पड़ेगा, तो चलो भाई हो गई मस्ती, मम्मी के साथ वीडियो बनाना था, चलो मम्मी आ गई है ठीक है चलो मिलते हैं। कुछ ना ही करेगी माँ, कुछ ना ही करेगी माँ, तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा अंधेरा हो गया, अब हम लोग चल रहे हैं, चलो अपनी भाभी से मिल ले। भाभी का तो आप लोगों को पता ही है कि उनका चैनल है यूट्यूब पे यूपी ब्लॉगर आराध्या, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आ जाओ मैं जा रही हूँ, हाथ सेक रही है।
हम कहे तुम्हें मेहनत ना कराए, खाना नहीं बनाए, इसीलिए चलो देखो बुढ़ी के माई बनी है। इस टाइम मोटी हो गई हो। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना सही सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये यहाँ आती है सुधर जाती है कि नहीं। देखो इतनी मतलब चेहरे पे इतना ज्यादा ग्लो है, मोटी भी हो गई है एंड हाँ स्किन काफी ज्यादा इनकी जो है पहले से हेल्दी हो गई है। मैं सोचती हूँ कि प्रयागराज में इनको क्या हो जाता है एकदम। बच्चों को आपने देखा, बच्चे भी इतने ज्यादा मोटे हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं देखने में। हमें लगता है कि वहाँ बनाती खाती ही नहीं हो, रीजन यही होगा तो है, है ना। यहाँ दोनों टाइम डर की वजह से चाहे जैसे बना रही हो और खा भी रही हो, ऐसे ही किया करो। देखो अभी अच्छी लग रही हो, खुद को देखने में देख लो ना, अच्छे लग रहे हो। तो थोड़ा सा ना जो ये है ना कि जो आप क्या बोलते हैं उसको, लेजीनेस, उसको थोड़ा सा कम करो। देखो प्रत्युष भी आ गया, तो हम आए थे बाय बोलने कि बोल दे जाए। चलो आप चलते हैं। बाय। अच्छा भाभी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लेना। ओके बाय। हाँ ठीक है, हमें बिल्कुल ये नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? ठीक मिनट खाती आवे। हाँ, तो सब लोग चल रहे हैं और ये देखो अभी भी हमारे साथ चल रहा है, कह रहा है सबको हटाओ सबको हटाओ, मतलब सब इसे पकड़ रहे हैं। ए अभी ना मम्मी यही है बेटा, मम्मी मम्मी के पास नहीं जाओगे? हाँ सुजाता यही है बाबू। ए अभी आराध्या के बिना रह लोगे? हाँ ओ देखो आराध्या आ गई। जाबे ए चल अपने गाड़ी बैठी ना। सारे जल्दी जाए ना, हम जाते हैं। वाह हम जाई जा 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 ना आवा ना जा बैठी आवा आवा यो जान भी गेन बैठी आवा। अब पैसों में ला ले रही तू हमला अरे पैसों दे पे ये प्रतीक तुम बैठो एक्टिंग कर रहे हो। चलोगे मेरे साथ? चले चल आइया पापा लाइन लेते ले तुम इधर आओ, इधर आओ। नहीं क्या? अच्छा पैसा दो। अच्छा सुनो अब है, जाओ कपड़ा चेंज करके आओ, जाओ जाओ नया नया पहन के आओ, जाओ मैं रुका हूँ, जाओ नहीं। मैं रुका हूँ बेटा। नया पहना नया नया पहन तो बैठी है पूछा चलो फिर मिली थे नौकर कहाँ फ्रेंड्स। हम लोग पहुंच गए हैं लंगुआ और यहाँ सुबह चाट भंडार पानी बतासी खाने नेहा साथ में थी, तो दीप ने कहा चलो कुछ खिला देते हैं। कह चलो भैया ठीक है देखते हैं कैसा लगता है। क्या खाना है? चलो फुल्की खा ली। कब खा लो? पानीपुरी पानी बतासा। पता है एक बार दीप आए वहाँ से, हम गंगा में रहते थे ना, तो आए हम बोले चलो कुछ खा लो, तो कह रहे हैं कि पानी बतासा। हम कहे आज के जमाने में बतासा था कि कौन पानी पीता है, फिर बाद में पता चला यहाँ फुल्की को बतासा कहते हैं। वैसे रोड पे आवाज मेरी आ रही है, हाँ शोर हो रही है ना, इसीलिए बाद में बात करती हूँ।
नंगुआ में। 7 बज गया यार, यहाँ पर रुके हैं सेट लगवाने इसका, कल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ग्लिटर आई शेडो है क्या ये? तो यहाँ पर हम आए हैं हमारी लंगुआ में। हाँ अरे यार कुछ लोकल मेकअप ले ले, लोकल मार्केट से खरीदा हुआ एक आधा वीडियो बनाए। मेकअप देखो पागल है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। जरा हाउ चश्मा निकाल के दाता नहीं, अरे दे ही दे, अरे दे दो थोड़ा सा। हाँ तो सिरम विरम है सब, हम रुके हैं देखने के लिए, कल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम लखनऊ से आते टाइम वो बैंगल लगवाना भूल गए थे। ये तो चल गई लेकिन उसका नहीं चल पाएगा, तो चलो देखो दिखा दो मैक ना मिल रहा है। वो सबको पता है ड्यू फेक है, रियल मैक कैसे थोड़ी ना मिल जाएगा। चलो मिलते हैं, हमारी कार वहाँ देखो वहाँ खड़ी है, और कार के अंदर बाबू और नेहा है। बहुत ठंडी लग रही है यार, बहुत ठंडी लग रही है। मेरा स्वेटर मुझे लगा कि नहीं वो अच्छा नहीं है, मुझे लगा मेरा स्वेटर मेरे साथ है बट हाँ कोई मत बोलना पेड स्पॉन्सर्ड कुछ नहीं, अभी आपके सामने ही हम पैसे देंगे देख लेना। बस एक यही दुकान समझ में आई इसीलिए हम आ गए हैं। पहुंच रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है जरा निकालना इसको, तो 7:55 हो रहा है, जरा चार्जर से निकालो इसको। देखो पापा घर खाली खाली सा लग रहा है, अजीब से फीलिंग हो रही है, भाभी नहीं है। सो फ्रेंड्स 8 बज गए, मतलब 5 मिनट लगा वहां से यहाँ आने में। तो ये देखो मैं इसको यहाँ पर रख के गई और कार में ढूंढ रही हूँ, मुझे इतनी ठंडी लग रही, इतनी ठंडी लग रही, मैं सोच रही हूँ मेरा स्वेटर कहाँ है। ओहो चल मैं फटाक से चेंज कर लूँ साड़ी, मेरी साड़ी मेरी खराब हो जाए। अरे नींद आ रही, थकान भी लग गई है बहुत ज़्यादा, आज बहुत मस्ती की है हम लोग, बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए हैं। सो फिलहाल तो ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो करूंगी मैं इस ब्लॉग का एंड, मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइट चली गई क्या? एक धीमे क्यों हो रहा है, धीमे तेज? तो मिलती हूँ, अगर नहीं एंड करूंगी तो कुछ देर बाद, अगर एंड कर दूंगी तो कोई बात नहीं। बाय बाय।